शाम भाई बहनों, मैं कुंदनलाल आज आपको इस वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से बताऊंगा कि ग्रीन हाउस के अंदर हम फूलों की खेती कैसे करते हैं और फूलों की हार्वेस्टिंग कैसे होती है, किस तरह से इसमें कटिंग होती है, कैसे हम बंच बनाते हैं और आप लोगों को बताएं कि हमारे इस ग्रीन हाउस के अंदर फूल जो है कितने प्रकार के हैं और बहुत ही अच्छे फूल इसमें उगे हुए हैं। आजकल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। आप सब साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को नए नए वीडियो जारी करूँ। ये जो फूल है ये आज से 3 साल पहले लगाए गए हैं और अभी भी चले हुए हैं। उम्मीद है कि अगले साल भी जो है इससे हम क्रॉप लेंगे। तो ये बीजिट है, KF कंपनी का हमने पौधा लाया था और आज भी अगर देखें हम तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो है फ्लावर की क्वालिटी बनी हुई है, बड अच्छे बने हुए हैं। तो ये जो वैरायटी है ये बीजिट है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको ये येलो है, बहुत ही अच्छा इसके मार्केट के अंदर डिमांड है। तो हम देखते हैं कि ये जो फ्लावर है इसके अंदर जो खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। अब बताएंगे आपको डबल शेड, ये डबल शेड है, दो तरह के इसके अंदर कलर है और इसका जो स्पाइक है काफ़ी हेल्दी है और मार्केट के अंदर जो है इसके रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बताएंगे आपको कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है और किस स्टेज पे जो है इसकी कटिंग की जाती है। वैसे तो ये ब्रश शेप में कटना चाहिए मार्केट के अंदर, लेकिन आजकल विंटर सेशन है तो सर्दी के समय में हम इसको जो है इस शेप में काट सकते हैं। ये जो शेप है इस शेप में जो है मार्केट में हम इसको बेचते हैं बंच बना करके। तो आपको बताते हैं कि किस तरह इसको काटते हैं। पहली नेट के थोड़ा आधा इंच नीचे काट करके जो है कटिंग हम इसकी लेते हैं। इस तरह कि अगर हमारे फ्लावर हमारी कटिंग हमारी स्पाइक मार्केट को जाती है तो हमें जो है बहुत ही अच्छे इसके दाम मिलते हैं। तो इस तरह 20 फ्लावर का एक हमारा बंच पुष्प गुच्छ बनता है। तो आजकल मार्केट के अंदर इसकी डिमांड लगभग 200 से ऊपर पर बंच जो है मार्केट हो रहा है। शतशील शो सड़ी परुशो शतशील शो सड़ी।